तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि पूर्णांक का जोड़ यानी बट्टा का जोड़ कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आप सभी को बट्टा का जोड़ बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 8/7 है और उसके बाद प्लस है या फिर 9/7 है, तो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं इसका बेसिक पूरा रूल बताऊंगा। अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको 100% कभी जिंदगी में भी बट्टा का जोड़ बनाने में गलती नहीं होगा। तो अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 5/10 है प्लस 6/3 है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को एलसीएम निकालते हैं यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम इसको निकालिएगा, तो चलिए इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, आप फेयर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5/3 का एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो इसको आपको यहाँ पे गुना कर देना है। 5 × 3 बराबर कितना हुआ, 3×5 = 15, यानी 15 हुआ। तो इसको हम लोग नीचे में यहाँ पे एलसीएम निकाल कर लिख देंगे। यहाँ पे कटने वाला कोई भी अंक रहेगा प्यारे बच्चे, तो उसको कटा कर जितना एलसीएम आएगा उसको आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। तो 5×3 यानी 5 × 3 = 15 एलसीएम निकालेगा, तो इसका 15 आएगा, तो 15 हुआ। तो 5 से आपको कटाना है यहाँ पे 15 को, 5 के पारा पड़िए, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 हुआ। तो जितना तिहा यानी 5 से जितना बार में कटेगा उसको यहाँ पे ऊपर वाले अंक में गुना करना है। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ, यहाँ 15 है और यहाँ पे 5 से आप सभी को भाग देना है, तो 5 से भाग देते 5 × 3 = 15 हुआ। तो ये कट गया, तो कितना बार में कटा प्यारे बच्चों, 3 से कटा हुआ है, 3 बार में। तो इसी 3 को ऊपर वाले में गुना कर दे, यहाँ पे 3 से गुना की जगह तो कितना आएगा, 30। तो आप सबको क्या करना है प्यारे बच्चे, इसका एलसीएम निकालिएगा दोनों का, नीचे लिख दीजिएगा और इससे भाग दीजिएगा इसमें, जितना बार में कटेगा उतना अंक से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है। 10 × 3 = 30, यहाँ पे 30 हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 30 लिख दिया हूँ, इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आप सभी को उतार देना है। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ 3 से भाग देना है 15 में, यानी 3 से 15 में भाग दीजिएगा, इस 3 से इस 15 में भाग दीजिएगा, तो 3 का पड़ा पड़िए, 3×3 = 3, 2×6 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी 3 से 5 बार में गुना करने पर 15 आता है, यानी 3 से भाग दीजिएगा 15 में तो 5 बार में जाएगा, तो उसी 5 को 6 में गुना कर देना है, 3×5 = 15 और 6×5 = 30। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सबको 30 लिख देना है और यहाँ पे बराबर करके इन दोनों को जोड़ कर लिख देना है। तो यहाँ 30 जोड़िएगा तो कितना होगा, 60, बटा में आ जाएगा यह 15। तो प्यारे बच्चों 60/15 आ चुका है, और उसको और भी शॉर्ट करना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, तो 15 से भाग दीजिएगा 60 में, 15 × 4 = 60 बराबर आंसर हो जाएगा आप सभी को 4, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। और नहीं तो बट्टा में रहने देना चाहते हैं तो बट्टा में रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इस वाले अंक को मैं बता दे रहा हूँ भाग देकर, यानी बट्टा का जोड़ देख कर देखते हैं कि इसका कितना आंसर आता है। तो 7/7 का एलसीएम निकालिएगा प्यारे बच्चों, 7 × यहाँ पे देखिए 7 है, 7/7 का एलसीएम निकालिएगा तो 7 ही से कटेगा, 7 × 7 7 × 7, तो यहाँ पे कटने वाला कोई अंक नहीं है, तो 7 × 1 बराबर कितना होगा, 7। इस सब कैल्शियम आया प्यारे बच्चों, 7 आया है इस कैल्शियम, तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है 7, यहाँ पे 7 लिख दिया हूँ, 7 एलसीएम आ चुका है। और 7 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 7 से विभाजित हो जाए 7, तो यहाँ पे 7 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा, 7 × 7, तो 7 × 7 कीजिएगा तो 7 एक अंक आया, 7 × 1 यानी उस 1 को 8 में गुना कर देना है, तो 1 × 8 से गुना कीजिए तो 8 ही आएगा प्यारे बच्चों, तो 8 लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का निशाना, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद 7 से फिर 1 × 7 में भाग दीजिएगा, तब 7 के पहाड़ा पड़िएगा, 7 × 7 यानी 1 आया, तो उसी 1 से फिर 9 में गुना कर देते हैं, 7 × 7 हुआ, तो उसके बाद 9 × 1 से गुना कीजिए तो कितना गया प्यारे बच्चों, 9 आएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ कर लिख देना है, ऊपर वाले को कुल टोटल जोड़ कर लिखना है, तो 8 × 9 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 17 हुआ, और नीचे कितना है 7, तो इसको नीचे वाले को 7 यहाँ पे उतार देना है। अगर कटाना चाहते हैं तो इसको कटाकर पूर्णांक में आएगा, दशमलव तक जाएगा, और नहीं कटाना चाहते हैं तो वही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आप सबको, पूरा 100% श्योर सॉल्व समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए 3/6 + 8/4 है, तो इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, यानी नीचे वाले संख्या का आप लोग लघुत्तम निकालिएगा। तो चलिए नीचे वाले संख्या का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, 6/4 का एलसीएम निकालिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एलसीएम निकाल कर, 6/4 है, 6/4 ये कटेगा 2 से प्यारे बच्चे, 2 × 2 = 6, 2×2 = 4, यहाँ पे कटने वाला कोई संख्या नहीं, तो 2 × 3 × 2 = 3×6
दो तिहाई छः और छः दूना बारह, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, बारह आएगा। यानी छः चार का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, बारह। तो बारह जो आएगा उसको नीचे लिख देना है यहाँ पे बारह एलसीएम। अब फिर छः से आप सभी को इस बारह को कटाना है, यानी छः से बारह में भाग देना है। छः के पहाड़ा में क्या बारह आता है, तो छः कम छः, छः दूना बारह। तो छः से आप इसको कटाएगी तो दो बार में कटेगा, और उसी दो को इस तीन में मल्टीप्लाई गुना कर देना है। छः के छः, छः दूना बारह, दो आया तो तीन दूना कितना हुआ प्यारे बच्चे, छः। तो इसको यहाँ पे प्लस का निशान डाल देना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस से डाल दीजिएगा। फिर चार से यहाँ पे कटाइएगा बारह को, चार का चार, चार दूनी आठ, चार तिया बारह, यानी तीन बार में कटा हुआ है। तो उसी तीन से फिर आठ में गुना कर देना था, आठ तीर का कितना हुआ प्यारे बच्चे, चौबीस बराबर। इस सब को जोड़ के आप सभी को लिख देना है, यहाँ पे चौबीस प्लस छः है तो आप सभी को इसको जोड़िएगा तो आएगा तीस, आ तीस और नीचे बाटा वाला है तो इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा यानी बारह। अब इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, नहीं कटाएगा तो यही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप सबको। पाँच बटे दस है प्लस छः बटा चार है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दस और चार का एलसीएम लेना है, सबसे नीचे वाले अंक रहता है प्यारे बच्चों उसका आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद प्यारे बच्चों उसको जितना आएगा उसको नीचे यहाँ पे लकीर खींच के और उसको नीचे डालते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे है तो वहाँ पर नीचे लिखाएगा। तो दस चार का एलसीएम निकालिएगा प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे एलसीएम आप सभी को निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। दस का चार का एलसीएम निकालना है, यानी दो से काटेगा, दो पच्चे दस, दो दूना चार, तो यहाँ पे एलसीएम निकाला था दो पच्चे दस और दस दूना बीस, यानी इधर से गुना कीजिए इधर से गुना कीजिए, इसका एलसीएम बीस ही आएगा प्यारे बच्चों। तो एलसीएम जो आएगा उसको आप सभी को यहाँ पे लकीर खींच कर और नीचे लिख देना, यानी यहाँ पे एलसीएम इसका बीस आ चुका है। और दस से कितना बार भागा पर मारिएगा कि जो बीस कट जाए, तो दस से कम दस, दस दूना बीस, यानी दो बार में कट रहा है। तो उसी दो को फिर इस पाँच में गुना कर देना है, यानी दस दूना बीस तो दो पचे दस, तो यहाँ पे दस आप सभी को नोट कर देना है, दस हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ प्लस का निशान डालेंगे, प्लस का निशान है तो यहाँ पे आप सभी को प्लस का निशान डाल देना है। और चार से बीस को काटना है, यानी चार को कितना बार पढ़िएगा कि बीस कटेगा प्यारे बच्चों, तो चार के पहाड़ा पढ़िए, चार का चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, चार चौका सोलह, चार पंजे बीस, यानी चार गुने पाँच कीजिएगा तो बीस आएगा, तो चार से भाग दीजिएगा बीस में तो पाँच आएगा, उसी पाँच को आप छः में गुना कर देना, छः पचे तीस, छः पचे तीस हुआ प्यारे बच्चों। आप इसको जोड़ देना आप सभी को, तो चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, इसको जोड़िएगा तो दस और तीस जोड़िएगा तो चालीस हुआ प्यारे बच्चों, और चालीस बटा यहाँ पे लिख देना है आप सभी को बीस, बीस हो गया। और उसको कटाना चाहते हो तो उसको कटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो ये सही भी आंसर सही है, और कटाइएगा तो और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग काट देने हैं, बीस दूना चालीस, तो यानी इसका हो जाएगा आंसर दो, इसका आंसर दो हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।